महान संत ने कहा है, कहा है कि, अरे कहा है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, अरे पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोई, अरे पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोई। ढाई अखर प्रेम का, अरे ढाई अखर प्रेम का बड़े से पंडित होए। अरे भैया बता तो दिए, इसका मतलब तो समझा दो। अब मतलब देवी जी समझाएगी। देवी जी आइए 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 आइए। तो मतलब हुआ ये कि किताबें पढ़ पढ़ के क्या समझोगे, क्या पंडित बनोगे, लेकिन प्रेम के ढाई अक्षर सीख लो भाइयों और बहनों, और प्रेम को समझ ही लोगे। मैं गर्व से कहना चाहता हूँ कि अपने स्कूल में सबसे स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड जाता है किसे? कबीर। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, द एम्प्लॉई ऑफ द मंथ इस महीने के हमारे सबसे बेहतरीन एम्प्लॉई है मिस्टर कबीर। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस बार इस महीने का मैनेजमेंट अवार्ड मिलता है कबीर को। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, सीईओ ऑफ द ईयर द अवार्ड गोज टू मिस्टर कबीर। थैंक यू वेरी मच सर। आज मेरे पास क्या नहीं है, क्या बात है, आज मेरे पास रहने के लिए बंगला है, चलाने के लिए गाड़ी है, खर्च करने के लिए खूब सारे पैसे हैं, और माँ बहुत बुरा सपना आया था। माँ सपने क्यों देख रहे हो, काम करो काम, ऐसे कैसे सपने देखे बैठे हो तुम? माँ मैं बड़ा आदमी नहीं बनूंगा, माँ मैं नहीं बनूंगा बड़ा आदमी। कभी तुम ऐसे नहीं कह सकते, इतने साल मैंने तुम्हारा पालन किया, पोषण किया, तुम्हें पढ़ाया लिखाया ताकि तुम बड़े आदमी बन सको। वो देखो वो चिंटू कितनी पढ़ाई करते हो। अरे माँ नहीं, वो नहीं है माँ, मैं बड़ा आदमी नहीं बनूंगा, फिर मैं आपकी ख्याल नहीं कर पाऊंगा माँ, मेरे पास समय नहीं होगा माँ, मैं नहीं कर पाऊंगा आपकी ख्याल। नहीं माँ मैं बड़ा आदमी नहीं बनूंगा माँ। कबीर इतने साल हमने काम किया साथ में, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो, इतने सपने हमारे, तुम अगर MBA नहीं पढ़ोगे तो सारे चूर चूर हो जाएंगे। मैं भी सोचती हूँ कि सुनीता सुशीला विमला के सामने मैं जाऊँ और सब पूछे कि तुम कबीर की माँ हो ना, और तुम तो ऐसे कह बैठे कबीर। अरे माँ 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 रोइए मत माँ, मैं जाता हूँ इंटरव्यू के लिए, माँ रोइए मत। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर? सर ये लीजिए मेरा रेज्यूमे। अच्छा मिस्टर कबीर, आप MBA करना चाहते हो? जी हाँ सर। क्यों करना चाहते हो? सर मैं बहुत अच्छा आदमी बनना चाहता हूँ सर। सर मैं बड़ा होकर बहुत बड़ा बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ सर, और उसके ऊपर मैं सब गरीब लोगों को मदद करना चाहता हूँ सर, और इसके लिए मैंने आपका मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट सुना है सर, आप मैनेजमेंट सिखाओगे हमें पूरा विश्वास है सर, प्लीज सर। माफ कीजिए हमें, अरे वहाँ यहाँ स्टूडेंट ऐसा नहीं ले जाते हैं। तो सर एक बार सर मेरे पास प्लीज सर। नहीं हेलो
टूटी, भला हुआ मोरी गगरी टूटी, भला हुआ मोरी गगरी टूटी, मैं पहिया बरन से छूटी, मोरे सर से टली भला, ओ भला मोरे सर से टली भला, ओ भला मोरे सर से टली भला। अरे बड़ी गर्मी हो रही है यार। अरे कभी क्या यार, कहाँ पे आजकल देखता भी नहीं तो हमारी तरफ। अरे ऐसा नहीं कुछ नहीं। अरे कभी क्या हो गया, तू इतना उदास क्यों लग रहा है? अरे क्या बताऊँ यार, दिन भर पढ़ाई करता हूँ, 3 बार MBA अप्लाई कर चुका हूँ, रिजेक्ट कर देता है वो डीन गंजा, और फिर बाद में उसके ऊपर क्या होता है, मेरी माँ भी बोलती रहती MBA करो। अरे यार कोई समझना ही नहीं चाहता मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरे सपने कोई देखना ही नहीं चाहता है। अरे मैं तो कहता हूँ तू लकी है यार। अरे मैंने क्या कर लिया MBA करके, क्या कर लिया भाई, 2 साल हुए MBA करे, पर अभी क्या कर रहा हूँ, 8,000 की नौकरी, वो भी कॉल सेंटर में। अरे यार तू तो शुरुआत से नहीं ठहला था, तू तो चुप रहे यार, तू तो यार खूब मार्क्स ले आता था, तेरे घर पे तो खूब पैसे आते होंगे ना भाई? खूब पैसे तो आते हैं, बट क्या पैसा ही सब कुछ है? क्या खुशी खुशी नहीं है, खुशी नहीं होती आपको, मतलब खुशी भी आपको इम्पोर्टेंट है राइट? अरे यार सबसे पहले तो खुशी चाहिए मुझे, कोई देखता नहीं है कि मैं पैसा पैसा कमा रहा हूँ, बट मुझे क्या चाहिए, कोई जानता है? अरे यार मैं तो बच्चों के साथ काम करना चाहता हूँ, उन्हें शिक्षा देना चाहता हूँ, और उनके साथ खेलना चाहता हूँ, उनकी मासूमियत उनकी खुशी देखना चाहता हूँ, तो क्या कोई ये समझता है? अब मेरे माँ बाप ने तो मुझे पढ़ाया, कॉलेज भेजा, बट कभी मेरे बारे में, मेरी खुशी के बारे में सोचा? अरे ऐसे ही होता है यार आजकल दुनिया में, कोई किसी की खुशी के बारे में नहीं सोचता। चलो मेरे को बना था फिल्म मेकर, एकदम बड़ा फिल्म मेकर, एकदम बड़ी फिल्म बनाऊंगा ढींचा, पर साला मैं फंस गया MBA करते करते, और अभी 2 साल हो गए साला। यार सही में यार, काश हमें भी एक ऐसी जगह मिलती जहां हम अपने सपनों को एक अच्छा मुकाम दे सके, काश यार काश, सही में काश यार काश। यार एक आइडिया है, आ जा इधर आ बे। तू करना चाहता है फिल्म मेकिंग, और तू करना चाहता है बच्चों का शिक्षा, मेरे को करना है बिजनेस, है ना? तो एक काम कर, तू है फिल्म मेकर, तू है हमारा शिक्षक, मैं हूँ बिजनेस मैन। बोलना क्या चाहता है यार, इसे बोलना क्या चाहता है? अरे सुनना यार, तू बच्चों का वीडियो ले फिल्म मेकिंग, यानी एकदम सोशल वाला एक्सपेक्ट लग के, और तू बच्चों को सिखा एकदम अच्छा, एकदम अल्टरनेटिव वाला सिखा, और मैं उसको प्रमोट करूंगा। सोच ले, तीनों का फायदा है, और तीनों अपने मनपसंद चीज कर रहे होंगे, क्या बोलता है? यार आइडिया तो एक नंबर है, तो सही बात है, तो करना चाहिए ना यार। गुड वन, गुड वन। या बेबी, तो यहीं से शुरुआत हुई कबीर और उसके दोस्तों की कहानी की। पहले तो फंसे थे ये MBA के चक्कर में, पैसा वैसा कमाना था, काफी बड़े सपने थे, लेकिन फिर समझ आया कि इन सपनों में उनके खुद के सपने कहीं बह गए थे। जैसे राजू की टपरी से बाहर निकले, उन्होंने जाके देखा कि कुछ बच्चे खेल रहे थे, घुल गए अपने काम में वहीं पे, बच्चों के साथ खेल लिए, उनकी वीडियो बनाना शुरू कर दिया, सबको दिखाया कि ये बच्चे अलग नहीं हैं, जो अमीर बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, सारे मासूम बच्चे ही तो हैं। सबको इकट्ठा लाया, प्रेम दिया, सबको एक साथ जुटाया। हाँ ऐसे भी था कि उनको बहुत सारी मुश्किल हुई, मेहनत करनी पड़ी, इतनी आसान जिंदगी भी नहीं थी, लेकिन हार नहीं माने, और कबीर और उसके दोस्त आके बढ़ते चले, जितनी भी चुनौती, जितनी भी रुकावट, और पता है क्या हुआ, जानना चाहते हो? तो ये हुआ 5 साल बाद। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस बार सोशल बिजनेस अवार्ड जाता है मिस्टर कबीर को। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।
आज मैं इस मुकाम तक पहुंच चुका हूं। ये मेरा बहुत बड़ा सपना रहा था। न जाने आज की यूथ के अंदर कितने सारे सपने छुपे हुए हैं, पर क्या उन्हें रास्ता मिल रहा है? क्या उन्हें सिर्फ बुक्स पढ़ने से फुर्सत नहीं मिल रही है? क्या कुछ लोग फुटबॉल करना खेलना चाहते हैं? क्या कुछ लोग गाना चाहते हैं? क्या कुछ लोग आर्ट्स करना चाहते हैं? क्या उन्हें जगह मिल रही है उस सब चीजों के लिए? मैं बस यही कोशिश करता हूं कि मेरा किरदार जो है वो ये दिखा पाए कि जो आपकी सोच है उसके लिए इस दुनिया में बहुत जगह है। और यही हमारी सोच है कि हम आगे भी इसको बरकरार रखें, कि आपके सपने, हमारे खुद के सपने, हम युवाओं के सपने आगे चले और देश को बदले। धन्यवाद। तो ये प्रयोग था शिक्षांतर और स्वराज यूनिवर्सिटी की तरफ से। ये दो जगह है, फतेहपुरा में और नयाखेड़ा गांव में, उदयपुर के बाहर। और हम सब है खोजी। खोजी यानी कि वो जो अपने सपनों की खोज में लगे हुए हैं। हम कुछ अलग करना चाह रहे हैं। ये ऐसी संस्था है जो लोगों को इकट्ठा करती है, ना कि सिर्फ हम युवा, लेकिन बच्चे, बड़े, बूढ़े, सब। और प्रयोग यही है कि हम प्यार कैसे बढ़ाए, कैसे आगे ले जाए, कैसे हम धरती माँ के साथ, पृथ्वी के साथ, पेड़ पौधे पंछियों के साथ रह सके और अपने सपनों को आगे बढ़ा सके, ना कि ऐसे फंस जाए इस बेचारे कबीर के जंजाल में, MBA के जंजाल में। पैसे कमाना बुरी बात नहीं है, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि देखो, खुद को परखो और समझो कि क्या यही हमारे सपने को आगे ले जाने का सही तरीका है या और भी चीज़ें हो सकती है। कला का क्या, स्पोर्ट्स का क्या, अलग अलग तरीकों से दुनिया को देखने का क्या? और इन्हीं नज़रियों के साथ में हमारा प्रयोग जारी है। तो हम आप सबको इनवाइट करते हैं, आपसे गुजारिश करते हैं कि आप आए, हमारे साथ जुड़े, हमारी भी शिक्षांतर और स्वराज यूनिवर्सिटी के संस्थानों को देखें और प्यार बढ़ाएं। धन्यवाद। बढ़ती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। दोस्तों, ये गाना मैंने जानबूझकर अभी गुनगुनाया है, मैं सिंगर नहीं हूँ। मेरा मकसद है आप सबका ध्यान उस फिल्म की तरफ ले जाना जो अभी कुछ समय पहले आई थी, आमिर खान साहब की एक फिल्म, 3 Idiots। उस फिल्म ने समाज को एक नई दिशा दी, एक सोचने पर मजबूर किया कि क्या है एक्सीलेंस, क्या सो कॉल्ड एजुकेशन, सो कॉल्ड एकेडमिक प्रोपोगेंडा जो हम सब देखते हैं, जो सब इसी कबीर ने देखा और आप सबको समझाने की कोशिश की। MBA, MCA, CA, PA, ABCD, गॉड नोज व्हाट ऑफ ऑल सॉर्ट ऑफ द थिंग्स। कहीं अंदर झांकने की जरूरत है कि एक्सीलेंस की तरफ कैसे बढ़ा जाए। और जैसा मेरी ये सिस्टर कह रही थी कि अपने सपनों को देखो, अपने मन से, अपने आप से बात करो और सोचो कि हमें चाहिए क्या। आजकल के ही एक पेपर में मैंने पढ़ा था कि 2-3-4 युवा MBAs ने मिलकर एक गन्ने के रस का कुछ उपक्रम लगाया है। आप सबने देखा था उसको? तो ये मकसद है आप सब तक एक छोटी सी बात शिक्षांतर के माध्यम से पहुंचाने की, कि शिक्षांतर, शिक्षा का अंतर, शिक्षांतर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शिक्षांतर का मतलब भी यही है कि अपने मानसिक स्तर को थोड़ा सा बढ़ाएं और इसके अंतर को समझें। हमें फैक्ट्री नहीं बनना है, हमें एजुकेशन का एक रबर स्टैम्प नहीं बनना है कि ABCD पढ़ते गए पूछा लास्ट में मतलब क्या पता नहीं। सो डोंट इस बहुत खूबसूरत परफॉर्मेंस को आप स्मरण में रखिएगा, याद रखिएगा और इसका एनालाइज कीजिएगा, इसको सोचिएगा, समझिएगा। और बहुत खूबसूरत सी इस बात के बीच में मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, आप सब लोगों से जानना चाहता हूँ कि आप लोगों में से कितने लोग शिक्षांतर के इस मत से सहमत हैं। जरा एक बार लाइट ऑडियंस में दें प्लीज। कितने लोग सहमत हैं कि शिक्षा का यह अंतर सच में, वास्तव में हमारे समाज में है? तो जोरदार तालियां बजाएं हम अपने लिए कि हम आज इतने जागरूक तो हुए, हमें यह पता तो चला कि हम किस शिक्षा पद्धति में हैं और हमें चाहिए क्या। और वास्तव में मैं धन्यवाद करता हूँ शिक्षांतर का और इन सारे खोजी लोगों का।
शुक्रिया मेरे भाइयों बहनों का, एक बार जोरदार तालियां दोस्तों। उदयपुर की इस खूबसूरत हवा में ऐसे ही लोग चाहिए, ऐसे ही यूथ चाहिए। इस यूथ के लिए जोरदार आप सबके तरफ से जोरदार तालियां और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।